कलेक्टर एसपी ने किया करहल क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण। कई जगह अनियमितता मिलने पर तुरंत सुधार के दिए निर्देश। खबर करहल से है, जहां से उपर कलेक्टर लोकेश जांगिड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने संयुक्त रूप से 7 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनावों को देखते हुए करहल विकास खंड के मतदान केंद्रों का भ्रमण का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान कई मतदान केंद्रों पर व्यवस्था ठीक न होने के चलते तुरंत व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए। वहीं करहल उत्कृष्ट विद्यालय में दीवार पर स्लोगन बिना किसी पेंटर के स्वयं हाथ से लिए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। वहीं शंकरपुर मतदान केंद्र में बीएलओ से इलेक्शन मशीन कंपोनेंट रखने संबंधी सवाल पूछे जाने पर बीएलओ सही से जवाब नहीं दे पाए। वहीं महिला पुरुषों की लाइन लगाए जाने वाले स्थान पर बीच में चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने के निर्देश पंचायत सचिव को दिए। वहीं ग्राम पनवाड़ा में मेला परिसर में फैली गंदगी को देखकर कलेक्टर ने पंचायत सचिव को फटकार लगाई और तुरंत सफाई करवाने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम सिलपुरी में मतदान केंद्र के भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने शौचालय देखे, जो लंबे समय से बंद होने के चलते धूल खा रहे थे और बालक बालिकाओं के लिए सिर्फ एक ही शौचालय बना हुआ था, जिसे देख कलेक्टर अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए निर्देश। वहीं सिलपुरी के एक मतदान केंद्र के मुख्य गेट पर जमा गंदगी का अंबार देख कलेक्टर ने सचिव को फटकार लगाई और एक ही दिन में पूरी सफाई करवाने के निर्देश दिए। साफ करवाना पड़ेगा इसको भी, पानी वानी। ये तो बालक है, बालिका वाला। लड़कियों के लिए जैसे बाथरूम के लिए तो सर अलग है, लड़कियां जाती हैं जैसे न्यू वाले में, नए वाले में जी। वो कह रहा है कि इसके लिए, वो बता रहा है कि लड़कों के लिए अलग है। ये पुलिस का बता रहा है, पीएस अलग, वहाँ भी तो ऐसे वहाँ नहीं है। लिखा बालक शौचालय है। लेकिन ज्यादा लड़कियां।